पितरों को इस व्यासपीठ से आशीर्वाद देती हूँ, ये यशस्वी हो, इनका यश फैले, इनकी कीर्ति हो। बहुत सुंदर दिन आज इनका जन्मोत्सव है और इनकी आयु बढ़े, ऐसी कामना उस परमपिता परमेश्वर से करती हूँ। राष्ट्र का चिंतन बहुत ज़रूरी है और यही चिंतन लेके आपके पास में आई हूँ। कथाएं तो बहुत होती हैं और कथाएं आप बहुत सुनते हैं, तो यदि आप राष्ट्र की व्यथा सुन रहे हैं तो कथा वास्तव में आज वेदव्यास जी महाराज और सुखदेव जी महाराज भी प्रसन्न हो रहे होंगे कि आप इस बात को स्वीकार करें। अभी कहा कि देवताओं को बुला लिया, ये देवता तो प्रथम दिन से ही आ गए, क्योंकि जैसे ही कथा का मंगलाचरण होता है हड़कंप मच जाता है ऊपर, और इसका प्रमाण साक्षात देखा था इस पंडाल के भीतर कि जैसे ही शोभा यात्रा आरंभ हुई, देवताओं का आरंभ हुआ, तो हमारे ये सब पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग बैठे, ये जानते होंगे कि कोई मंत्री किसी स्थान पर जाए तो उससे पहले सारा अमला, सारा डिपार्टमेंट, सारा विभाग खड़ा हो जाता है। स्वास्थ्य मंत्री आ रहा है तो स्वास्थ्य से संबंधित सारा अमला पहले से टाइट खड़ा रहे। तो भैया, हमने वो जगत के सरकार को, प्रधानमंत्री को नहीं, सबके बाप को, सबके प्रधानमंत्री का आवाहन किया था श्री कृष्ण का, तो ये देवता कैसे ना आते पहले से? बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो ये देवताओं ने अपनी अपनी हाजिरी दर्ज भी कराई, आते ही साथ इंद्र देव, वरुण देव, फिर दूसरे दिन सूर्य देव, सारे देवताओं ने आगमन दर्ज कराया कि हम आ गए हैं। तो वहां भी हड़कंप मच जाती है कथा का, जहां मंगलाचरण होता है तो देवलोक छोड़ करके आते हैं, क्योंकि कथा में भी जब महादेव जैसे ईश्वर को भी कथा सुननी पड़, सुनने की इच्छा हुई तो उन्हें कैलाश में कथा नहीं सुनाई, उन्हें अगस्त ऋषि के धाम आना पड़ा कथा सुनने के लिए। आपको कहीं नहीं जाना पड़ा, कथा खुद आकर बैठ गई। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो इसका श्रेय जाता है भाई अशोक सिंह राजपूत जी को। एक बार जोर से दोनों हाथ उठा के अशोक जी को आशीर्वाद प्रदान करें।